गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ताली बजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल इधर आओ हरि बोल 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 नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंद दे एकर कथा सुना तो हे हिंदी ते सुना जति हम तो बोलबो हम तो उड़िया बोलो कुछ उड़िया लोग आछे ना तो हिंदी भाषा प्रभु आप भी कुछ बोलो लगा कर बोलो आहु दो ट्रांसलेट ओ गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अंताय मंत्री वाला हरिदास बढ़ जो जद राम कृष्ण चरण परश प्रमोद मानंग तनति सौ घन तयर जग मानिय शुज वशतंत्र कंद बोलय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो की राधारण की मैं सर्वप्रथम मुझे गुरु पाद पद्म नित्य इलाद विष्णु विष्णु पाद अष्ट शत शिष्य भक्ति वेदांत बावन वर्ष श्री गुरु महाराज के चरण कमल में महाराज उनके चरणारविंद में दंडवत ज्ञापन करते हुए आयुध की प्रार्थना करता हूँ और मध्य गुरुवर्ग शिष्यभक्ति ये जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इनका नाम है शंकरसन कुंडो हम लोग जानते हैं तो इनकी कथा तो बहुत सारी आती है अब मुझे इतना ही पता है महाराज जी ने आदेश किया है मैं गुरु वैष्णव के मुखारविंद से जो सुना हूँ वही है कि ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी का प्रकट स्थल यहाँ पे माधवेंद्रपुरी बाद उन्होंने आए थे और यहाँ भजन करते थे ज्योतिपुरा में उस बार जो है और उनकी यहाँ रहते रहते
आप लोग लीला जानते भी हैं कि गोपाल जी स्वयं बालक के रूप में आए और उनको दर्शन दान दिए और कहा बाबा तुम भूखे हो। अजाची तो व्यक्ति था माधवेंद्र परिवार जी का, भजन के लिए किसे मांगते भी नहीं थे, जो मिल जाता था वही ग्रहण करते थे। तो शाम के समय हो गया, कोई भोजन नहीं किया, स्वयं गिरिधारी गोपाल उन्होंने स्वयं आए और उनके पास दूध का मटका देके और चले गए। कहा बाबा इस दूध को पी लो, मैं आते वक्त इसे लेके जाऊंगा। तो उसके पश्चात बाबा जी मधवेंद्रपुरी बाद उस दूध को पिए और कृष्ण प्रेम में विभोर हो गए। उनकी और नाम में और उतना मन नहीं लग रहा है, बार बार उस बालक की ध्यान ही आ रहा है। तो जब काफी समय बीत गया, सुबह होते ही एक डेढ़ घंटा बाकी है, 3 बजे 3:30 बजे के आसपास उनका तंद्रा आई, झुकी आई और वो गोपाल बालक जो उनके पास आए थे वो आके कह रहे बाबा मैं आपके पास आया था, आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं इस गिरिधारी गोपाल हूँ, मैं बच्चन आपका प्रतिष्ठित गोपाल हूँ, बहुत दिन से मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा कि आप आके मुझे यहाँ से पुनर्स्थापन करेंगे यहाँ पे और मैं इस झाड़ियों में इस कुंड में यहाँ मैं यहाँ रह रहा हूँ। बोल के चले गए और कहा बाबा आप मुझे यहाँ से उठाइए और मुझे पकड़ करिए, मेरा सिरा मुझे स्थापन करिए। तो फिर माधवेंद्र बुरी बात होती है, हम जानते ही है, उन्होंने सब आके गाँव वालों को बुलाए और सिन्हा जी ऊपर में है उनको वहां पर उन्होंने स्थापना किया। और ये शंकरसन कुंड है बलदेव प्रभु, यहाँ पे शंकरचूर दैत्य को वध किए थे, शंकरचूर का ये निवास स्थान है, यहाँ पे रहते थे आए थे और बलदेव प्रभु उनको वध करके उन्होंने उनकी नाम अनुसार बलदेव प्रभु का ये शंकरसन कुंड हुआ, जो सारे जीव को आकर्षण करके अपने चरण में स्थान देते हैं वही शंकरसन कर्षण करके ले आते हैं। और इसके आगे थोड़ी सी एक सखी स्थली है जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे, यहाँ पे आए सखी स्थली और यहाँ पे वो सखी लोग निवास करते थे। तो ये सारा इतिहास यहाँ पर विराजमान है। तो बाकी आप लोग विस्तृत रूप में हमारे भगवान जी से श्रवण करिए, मैं तो स्वयं श्रवण करने के लिए आया हूँ वहां जी मुखार बंद से परिक्रमा करते जा रहा था, महाराज जी ने यहाँ आके मुझे कथा करने का अवसर दिया, मुझे कथा बोलने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही बोल के मैं आपको कथा विराम देता हूँ। वंशा गलवत रुवश्च की बात सिंधु भय वच पतिता नाम पावन रुवश्च जब बोलो जय श्री राधे। जिस स्थान पर हम अभी पहुंचे हैं यह शंकरसन कुंड है। इस कुंड की कृष्ण काल के समय में क्या लीला है कि जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को धारण किया तो उसके बाद मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो ऊपर से तो सुदर्शन चक्र जो है पानी को गिरने नहीं दे रहे थे, सारा पानी जो है बाहर गिर रहा था इधर उधर। लेकिन जो नीचे गिरिराज में क्या हो गया था, गड्ढा होने लग गया, क्योंकि जब किसी भी जगह पानी बहुत ज्यादा गिरेगा तो वो पानी जो है नीचे जमीन नीचे को धंसने लगती है। तो जैसी जमीन नीचे को धंसने लगी तो सारे ब्रजवासी डर गए। तो भगवान कृष्ण ने बलदेव प्रभु की तरफ इशारा किया, जैसे बलदेव प्रभु की तरफ इशारा किया तो संकर्षण है बलदेव, तो उन्होंने सारे जल का क्या कर लिया, कर्षण कर लिया। इसीलिए इस कुंड का नाम पड़ा संकर्षण कुंड और सारा जो जल था वो इस कुंड में आ गया। इस तरह से यहाँ पे संकर्षण कुंड है, यह जो सामने मंदिर नजर आ रहा है यह संकर्षण महादेव जी का मंदिर है, वो सामने जो नीचे येलो वाला गुंबद दिख रहा है मंदिर का वो संकर्षण दाऊ जी का मंदिर है। वहां पे 6 फुट लंबा दाऊ जी का विग्रह है, इतना सुंदर विग्रह है, दाऊ जी का विग्रह ऐसा कहीं दिखता नहीं है ब्रज में, बहुत सुंदर दाऊ जी का दर्शन है, कभी समय मिले तो आप दर्शन करके आना वहाँ। और इसके बाद इसी अंदर से रास्ता जाता है और पीछे ठाकुर जी का प्रगटे स्थल है, जो अभी प्रभु जी ने कथा बताया ना कि माधवेंद्रपुरी पाद को ठाकुर जी ने बोला कि मुझे बज्रनाभ ने स्थापना किया था और मैं बहुत देर से यहाँ पे हूँ गिरिराज जी की कंदरा में, मुझे यहाँ से निकालो। तो वो प्रगट स्थल भी है गिरिराज जी का, बहुत सुंदर स्थान, अभी किसी ट्रस्ट ने उसको बहुत अच्छे से बना दिया है, बहुत सुंदर दर्शन है वहाँ पे गिरिराज जी, जहाँ पे श्री नाथ भगवान प्रकट हुए हैं, जो कि उदयपुर नाथ द्वारा में भी विराज रहे हैं। पहले इसी मंदिर में ठाकुर जी थे श्री नाथ जी, उसके बाद जब मंदिर पे हमला हुआ तो दोबारा फिर ठाकुर जी को वहां से ले जाया गया। इसी मंदिर के अंदर एक गुफा है, सुरंग है, वो कहां जाती है, सीधी नाथ द्वारा जाती है। पहले जब मैं गोड़िया संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुआ था, जब हम छोटे होते आते थे बचपन में, तो हम ऊपर चढ़ जाते थे, ऊपर चढ़ के हमने वो गुफा देखा, जो पूरा गुफा जाता है, सुरंग जाता है, कहां पे सीधा जाके मेवाड़ में निकलता है।
कैसे? क्योंकि ये जो गुफा जब ये ऐसे क्यों बना, जब भगवान कृष्ण यहाँ से जाने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना विसारियो मोहे नंद बाबा ज्ञान, कि मुझे नंद बाबा की सुगंध है, मैं ब्रजवासियों को छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं, ब्रज को छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं, तो आप अभी क्यों जा रहे हो उदयपुर? तो भगवान के जाने का कारण था, वहां पे एक रानी थी, राजा की बेटी थी, वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, उसके प्रेम के वशीभूत होकर, भगवान तो भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूरी करते हैं, तो इसीलिए भगवान जा रहे थे। तो प्रभु ने कहा, देखो मैं उसकी इच्छा भी पूरी करूंगा, आपकी बात भी रखूंगा, अपनी बात भी रखूंगा। तो कहते कैसे? प्रभु कहते जो व्यक्ति कहीं रहता है, अगर वो शाम को वहीं वापस आ जाए तो उसको वहीं का रहने वाला माना जाएगा, अगर मैं सुबह जाके कहीं आगरा घूम के आ जाऊं रहता तो फिर वृंदावन का ही हूँ। इसी तरह से यहाँ पे ठाकुर जी क्या है, वहां नाथद्वारा में उदयपुर में आज भी शयन आरती नहीं होती, मंगला आरती वहां होती है, शयन आरती यहाँ पे ही होती है, वहां पे 7:30 बजे 7:45 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद शयन आरती यही होती है, क्योंकि ठाकुर जी रोज सुबह यहाँ से जाते हैं शाम को वापिस आ जाते हैं, यही लीला है यहाँ की। ये बहुत सुंदर यहाँ का श्रीनाथ जी का क्या है, ये मंदिर जो है इस मंदिर में तो इतना सुंदर यहाँ की लीला है, ये जो मंदिर है इसके पीछे एक द्वार है, ये जो मंदिर दिख रहा है ऊपर व्हाइट वाला, इसके पीछे एक गेट है, उसके पीछे से ठाकुर जी काना भंगी को दर्शन देते थे। काना भंगी कौन था? एक भक्त था, लेकिन भंगी है, मंदिर में नहीं आ सकता, तो वो बाहर खड़ा रहता था, तो ठाकुर जी पीछे खिड़की से ऐसे आके दर्शन देते थे इसको। इधर जो इधर की खिड़की थी, इधर का भी द्वार तोड़ दिया था ठाकुर जी ने, क्योंकि यहीं पे गोसाई विठल आजी, पहले यह सेवा माधवेंद्रपुरी पाद के पास थी, हमारे गोड़िया संप्रदाय के पास। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन है कि सप्रेम यह सेवा बाद में वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में दे दी गई। किनको? वल्लभाचार्य जी को। तो वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ही ठाकुर जी की सेवा बाद में करते थे, और उनके 8 शिष्य थे, 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, 4 गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे, सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, चीत स्वामी जी, इस तरह से नंददास जी, इन सब ने रह के यहाँ ब्रज में गोवर्धन में ही भजन किया, और अंत समय में गोवर्धन में ही शरीर को सशरीर गोवर्धन में ही प्रवेश कर गए। यही पास में कुंभन दास जी की समाधि है, नंददास जी, कृष्णदास, सबकी समाधियां यही आस पास है। ये जो हुए हैं, जैसे हमारे संप्रदाय में षड गोस्वामी पाद हुए हैं, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जिन्होंने रह के राधा का भजन को स्थापित किया, इसी तरह से ये अष्टछाप के कवि जो हुए, इनको अष्टछाप के कवि बोलते हैं पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में, इन्होंने भी दिन में ये सखे भाव से ठाकुर जी की उपासना करते थे, रात में सखी भाव में, और इनके इतने सुंदर सुंदर पद है कि उनको पढ़ के पता चलता है कि कैसे उनको लीला दर्शन होते थे। इस तरह से जब एक बार क्या हुआ कि किसी कारणवश जो मंदिर के अधिकारी थे कृष्णदास जी, उन्होंने गोसाई विठलनाथ जी को मंदिर की सेवा से बाहर कर दिया, क्योंकि वो मंदिर के मैनेजर थे। तो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे इधर इधर पास में ही परासोली गांव है, तो वो वहां पे परासोली गांव में जाके रहने लगे, तो वहां पे वो उनकी विप्रलम्ब की बैठक है, विप्रलम्ब अर्थात वियोग, तो उस समय वो भगवान को याद कर करके रोते थे, तो ठाकुर जी क्या करते थे, वहीं पे ठाकुर जी की फुलवाड़ी थी, जहां से फूल जो है ठाकुर जी के मंदिर के लिए, श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए आता था, तो गोसाई विठलनाथ जी क्या करते थे, एक चिट्ठी लिख के ठाकुर जी को प्रेम भरी उसमें फूल की डलिया में रख देते थे, और ठाकुर जी क्या करते थे, श्रीनाथ जी भगवान जब फूल माला आती थी तो झट से वो चिट्ठी, जैसे एक प्रेमिका किसी से अपनी बात को छुपाते हुए चिट्ठी को निकाल लेती है, लेके पढ़ के उसको खा जाते थे, और उसके बाद उस पत्र का उत्तर भी देते थे। इस तरह से वो सारे पत्र लुप्त हो गए, लेकिन उनमें से कुछ 19 पत्र जो है बच गए, जो लेटर्स थे, तो उनमें से एक ग्रंथ बना नव विज्ञप्ति, उस ग्रंथ को पढ़ के पता चलता है कि प्रेम किसे कहते हैं। एक पत्र में गोसाई विठलनाथ जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा का जो हेतु है वो दैन्य तो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि भक्ति का जड़, भक्ति की नींव क्या है, दैन्य। तो वो कह रहे, प्रभु आपकी कृपा का जो हेतु दैन्य है वो मेरे अंदर तो नहीं है, इसीलिए आप कृपा करें कि मुझ में भी वैसी भक्ति आ जाए कि मैं भी आपके भक्तों की सेवा कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। और एक पत्र में लिखते हैं कि प्रभु अब आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे अग्नि जल रही है मेरे हृदय में अंदर। तो भगवान उसका उत्तर देते श्रीनाथ जी कि मेघ तो समय पर ही बरसेगा। तो इसके उत्तर में गोसाई विठलनाथ जी लिखते, प्रभु मेघ तो समय पर ही बरसेगा, लेकिन चातक अपनी रटन कैसे भुला दे, उसके प्रेम की सार्थकता तो उसके रटन लगाने में ही है। चातक एक पक्षी होता है जो कि सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है, तो इस तरह से कहते वो उस टाइम तक पीहू पीहू करता रहता है जब तक कि वो जल बरसता नहीं है। इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ की लीलाएं हैं, यहाँ तो इतनी लीलाएं हैं गोवर्धन में, इतनी लीलाएं कि कहने की बात नहीं है। यही पास में कुंभन दास जी की समाधि है, कुंभन दास जी ठाकुर जी अभी 300-350 साल पुरानी बात है, जब भक्ति मूवमेंट पीरियड आया इंडिया में, जबकि हमारे चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर उनके बाद ये सब यहाँ पे रहते थे। चलो अभी आगे करेंगे महाराज।
हरे कृष्णा हिंदी हिंदी सब बुझ पार हिंदी हिंदी को मैंने बुझ पार ना हिंदी को मैंने हिंदी बुझ हिंदुस्तान तो हिंदी बुझे कौन बुझे हरे कृष्णा अभी थोड़ा उड़िया भाषा में बोल देता हूँ ठीक है अब लोग तो हिंदी भाषा में सुन ली हाँ सुनी पार समझते हरे कृष्णा हम मैंने गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कर चु ये गिरिराज गोवर्धन हेले यांकर गोटे ना होची सर्व अभीष्ट प्रदाता माने कौन आम गिरिराज परिक्रमा करके अपन माने जहां मांगीबे गिरिराज को काहे कि ना ये जे गिरिराज गोवर्धन ये आउ के नुहंती ये गिरिराज गोवर्धन हेले निजे कृष्ण निजे जगन्नाथ हेले ये गिरिराज गोवर्धन निजे जगन्नाथ ही ये गिरिराज गोवर्धन रूप से प्रकट होती तेणु यदि कहीं गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके जहा मागिबो स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत जहा किछि मागिबो ये गिरिराज गोवर्धन समस्त इच्छा को पूरी करती तेणु ताकर गोटे ना होची सर्व अभीष्ट प्रदाता माने जहा मागिबे गिरिराज गोवर्धन तुमको सही देवे अपन परिक्रमा करी जीवा समय रे देखिबो गिरिराज जे शिला अछि ना जे पत्थर अछि गिरिराज पत्थर ऊपर सब पत्थर रखा है जीवो गोटे दीटा तीनटा चारटा बोले काहे कि बोले यदि कहीं गिरिराज गोवर्धन शिला नहीं करी जेते पत्थर रखे देव ना महाप्रभु तुमको सेते ताला बिल्डिंग दे देवे जेते ताला बिल्डिंग हैं जेते ताला बिल्डिंग यहाँ पर आप देखना पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ होगा क्योंकि कहते ठाकुर जी हमें इतना मंजिली मकान दे दो हैं ठाकुर जी उसको उतना मंजिली मकान दे देते जितना गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख लोगे बुझ पार छंदी तो किंतु आम गुरुदेव कहते गिरिराज गोवर्धन को अन्य कौन सी जिनिस मांगे बनी टंका पैसा स्त्री पुत्र परिवार मांगे बनी काहेकि ना कृष्ण हेले कल्प वृक्ष माने आपको जहां मांगे ता दे देवे किंतु यदि सांसारिक वस्तु मांगिबो ये संसार में कई सुखी ना हाथ कई शरीर दुखी कई मन दुखी कई हाथ तन दुखी कई परिवार दुखी ये सांसारिक वस्तु केवे हेले सुख दिए नहीं केवल सुख तो महाप्रभु कर भक्ति महाप्रभु कर सेवा तांकर हां भक्ति केवल सुख दिए तनु हम गुरुदेव कहुतले गिरिराज गठारु गोटिए जिनिस प्रार्थना करिवो तांकर सेवा तांकर भक्ति खाली मागिवो आ कोनोसे संसारिक वस्तु तांकठारु मागिवो नाही तेनो आम माने जोड गिरिराज परिक्रमा करिलो गिरिराज दी भाग रे विभक्त हे जी आमे जेउ ठारु आमे आरंभ करिलो ये परिक्रमा ठा होची बड़ी परिक्रमा एटा होची बड़ परिक्रमा सेपटे गोटे अछि गोटे छोटा परिक्रमा आज आमे माने बड़ परिक्रमा टाको आज करिवे हैं आज बड़ परिक्रमा मान करिवा माने तेनो जोठ आरंभ करिलो से स्थान नाम हला दान घाटी से दान जगा ना कोन थिला जगा ना कोन थिला दान घाटी माने कौन कृष्ण सेठी छिड़ा है गिरी हाँ गोपी मान थारू खीर दही लहुणी ताकर दान नौले बोली से जगह ना हो दान घाटी सेठी तो कृष्ण गोपी मान दान नेले कि जो टिके आगु को आसब ना तार गोटे जगह हूँ जान निवर्तन कुंड माने सेठी तो कृष्ण सखी मान नेले किंतु सखी माने उल्टा कृष्ण एवं ताको सखा ठा मानव ठारु दान नेले तण ता ना जी दान निवर्तन निवर्तन माने उल्टा ताको ठारु सखा मानव ठारु गोपी माने दान नेथिले तण ता ना होची दान निवर्तन कुंड आसीबा समय रे गोटे गा जे आमे पार हेकरी आसीलु से गा ना होची आनर ग्राम कोन से गा ना आज जोर को आनर ग्राम अर्थ कोन अर्थ होची जेते बेले कृष्ण इंद्र पूजा को बंद कर देले इंद्र पूजा को बंद कर देगिरी जेतले से गिरिराज गोवर्धन कर पूजा करिले समस्त ब्रजवासी माने हैं विभिन्न प्रकार अन्न डाली तरकारी आरेसा काकेरा हैं विभिन्न प्रकार श्री गिरिराज गोवर्धन को भोग लगेले एतले भोग लगेले निजे गिरिराज गोवर्धन से स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रकट हेले प्रकट है गिरी से कहले देखो मु होची गिरिराज गोवर्धन मु किए मु हेली गिरिराज गोवर्धन आजी जदि कई खाली गोटे अन्न दाना खाली मो सेवार लगे दिवे गोटे खाली अन्न दाना जदि मो सेवार के लगेबे कोनोसी जीवन रे घर रे केवल अन्न वस्त्र रे कभी अभाव होवनी
माँ लक्ष्मी ताकू घरे पूर्ण रूप से रही बुझबार छ त तने गिरिराज गोवर्धन स्वयं बताए आज का दिन जो एक अन्न का दाना केवल मेरे सेवा में लगा दिया किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगी घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी ये किए वरदान दे ले निजे गिरिराज गोवर्धन वरदान दे ले एवं गिरिराज गोवर्धन विशाल रूप से प्रकट है ले गिरिराज गोवर्धन निजे जगन्नाथ निजे कृष्ण कहले देखो मुहली गिरिराज गोवर्धन मुहली गिरिराज गोवर्धन यदि कई मोर पूजा करिवे हां यदि कई मोर पूजा करिवे तांको घर में अन्न धन सब परिपूर्ण रूप में रहइबो आ यदि मते कई अनादर करिवे ना से कांगाल हे गिर रहइबे से जन्म जन्मांतर से कांगाल हेबे हां कृष्ण स्वयं गिरिराज का रूप धारण किया बोले देखो मैं कौन हूं बोले मैं श्री गिरिराज गोवर्धन हूं जो व्यक्ति मेरी पूजा सेवा करेगी उसके घर में अन्न वस्त्र भरपूर रहेगा अगर मेरे कोई कोई अनादर करेगा ना जन्म जन्मांतर में कांगाल रहेगा उसको घर में कांगाल रहेगा उसका घर में ये स्वयं गिरिराज जी बता रहे हैं इसलिए ये गांव का नाम है आनर ग्राम आनर ग्राम का मतलब आनर ग्राम अर्थ हो जी जेते बेले से कृष्ण को भोग लगे ले गिरिराज को गिरिराज सबके जो ग्रहण करने ले सबके जो ग्रहण कर गिरी कहले आओ आनो रे आनो रे आनो रे आनो रे मतलब आओ आनो सब तुम खाई दिले आओ आनो तेरो से गांव का नाम होची आनर ग्राम जब गिरिराज की पूजा की सबको उन्होंने भोजन कर लिए बोले और लाओ और लाओ और लाओ इसलिए गांव का नाम है आनर ग्राम है अभी हमें जो जगह रे बसी छु एई स्थान रे नाम होची शंकरसण कुंड ए जे कुंड देखो से विग्रह देखो से ना सेटा होची शंकरसण कुंड एटा होची शंकरसण कर मूर्ति होची एटा नाम होची शंकरसण कुंड सकर शंकरसण कुंड का नाम काई पडला कारण कण थरे कृष्ण ताको गोपी मान को नेई गिरी बलदेव प्रभु कृष्ण हमें राधा कुंड रे से होली खेलुतले कोन खेलुतले अरे जोर को होली खेलु थे तेणु होली गोटे कीर्तन अच्छी बोले आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया समस्त कृष्ण एवं तंग सांगरमाने सांगमाने बलदेव प्रभु होली खेलु थे सही समय रे गोटे राक्षस ना होची शंकरसण हैं गोटे होची राक्षस थिला त हां गोटे ना राक्षस ना शंखचूड़ राक्षस गोपी माने देखिया को बहुत सुंदर थिले हैं बहुत सुंदर थिले तेनो ताको देखी करी से शंखचूड़ जे दैत्य थिले ना एते सुंदर गोपी मान को देखि से आकृष्ट हे गेला आ आकृष्ट हे करी गोपी मान को से तड़ई करी नेवा को आरंभ करला कले एते सुंदर गोपी आ कृष्ण बलराम तो होली खेल से तड़ी कर नहीं गले सही समय रे कृष्ण बलदेव प्रभु कहले तुम्हें एठ छिड़ा हो मु से राक्षस को देखुची तेणु ताको तड़ई 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 करी ताको एठ की ताको तड़ई तड़ई करी एई जगह को आसले आ जे एई जगह को आसले तड़ई तड़ई करी आसी करी एई जगह रे सही शंखचूड़ दत्त को वध करले त वध करले ताको पाखरे गोटे मणि थिला हैं ता नाम जे समंतक मणि थिला ताको पाखरे तन से कौन लिखले से मणिटा को ताको ठाकुर नेले नेकरी से बलदेव प्रभु को से मणिटा को दे देले कृष्ण त चाहौ छथि राधा रानी को देबे बोली किंतु राधा रानी को देले अन्य सखी माने दुखी हेबे तन से मणिटा दे देले गांव को बलदेव प्रभु को दे देले अब बलदेव प्रभु कौन करले से मणिटा को गोटे सखी थिले हैं धनिष्ठा सखी को देले अरे से धनिष्ठा सखी लेकरी ना राधा रानी को गळा रे सही मणिटा को सेमंतक मणिटा को से ताको गलार नै करी ताको पी दे देले तेनो एठे ये कुंड ना होची शंकरसण कुंड ये कुंड ना एवं देखो सेठी गोटे पर्वत अछि ना देखो गिरिराज पर्वत अछि सेठे गोपाल गोपाल अर्थ होचति कृष्ण हैं जते बेले ई होले वज्र नामकर द्वारा स्थापित से द्वापर युग रे कृष्ण कर पुअर पुअर पुअ से वज्र नाम से गोपाल को स्थापन करथिले किंतु जेतेला मुसलमान कर आक्रमण हैला अमर हिंदू माने कौन करले मुसलमान में तो दिया भिया भांगी दउथिले तणु ताको गोटे जंगल रे लुचेई देले लुचेई करी पळई गेले एठु किंतु सेटा बहुत दिन आगरे किंतु सेठी सेई गोपाल कृष्ण से भीतर पडिथिले जेतेला माधवेंद्र पुरी जने बहुत बडे साधु आम ओडिसा रे खीर खीरचुरा गोपीनाथ देखिछ को माने खीरचुरा गोपीनाथ देखिछ ओडिसा रे
ए जे खीरचर गोपीनाथ को ताका ना आगे हला गोपीनाथ हैं किंतु सिए ए माधवेंद्र पुरी गोपाई से खीरी चोरी करथिले बोली सेई दिन थार ताका ना होची खीरचरा गोपीनाथ कोन नाम पडला बोले खीरचरा गोपीनाथ की अरे जोर जाय दियो बोले खीरचरा गोपीनाथ की तन ताका ना हला खीरचरा गोपीनाथ तन सिए जे भक्त थिले जते बेले सिए एठी के आसीले हैं एठी के आसीवा समय रे से कहा थारो किछि मागु नथिले अजाचक वृत्ति माने कहा थारो किछि मागु नथिले हैं तेति कई निज इच्छाकृत रूप रे तांको कति दे दिए तले सेटा भोजन करथला भोजन करतिनी थारे कई किछि देलेनी गोटिए जागर बसिकरी हरे कृष्णा 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 हरे हरे जोर को हरे राम राम आउ थरे जोर को तो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तर से महा जप करथिले निजे कृष्ण आसीकरी ताको खीरी देकरी गले ताको खीर देकरी गले बोले बाबा मो गारे के भोकर रहंतिनी है समस्त काय की ए गार माली गले मु वृंदावन रे के भोकर रहतिनी यदि भिक्षा माग के जे खांती खांती यदि किछि के न मागती ना मु जाय के तांको खोई करी आसे नि अखिरटा के पियो काई भोकर बसी छ बोले तमे केमति जानले मु भोकर अछि बोले किछि मां माने एटी कुओर को पानी भरिया पई आस्तले से माने मते कहले बोले देखो मु गोरु चोरिया पई जाऊ छी कृष्ण कहले मु गोरु चोरिया पई जाऊ छी और खीर खाई करी ना ए माटी पात्र रखि दो जेतले से खीरटा को खाइले जीवन रे तो बहुत खीर खाई छेंती किंतु कृष्ण जो खीर देवे तार ता संकर तुलना हबो जेतले से खीरटा पीले एत्ते स्वाद थिला एत्ते मिष्ट थिला से तो प्रेम रे गदगद हे गेले जेतले टिके ता घुमा आसिला ना ता जे टिके घुमा आसिला निजे कृष्ण ताको स्वप्न रे प्रकट हेले प्रकट हेकरी कहले देख एई गार हले मु मालिक मोर भक्त माने हैं कत मुसलमान कर आक्रमण रे मते जंगल रे लुचे कर जाय छंती तेनो ताको हाथ धरी कर ने आसले आनी कर ताको देखैले तापर से ताको तो स्वप्न भागिला बला रे कृष्ण मते खीर खोइ कर गेले मु ताको चिन्ह पारले नि तरे से ग्राम लोक मान को नेकर कृष्ण को से प्रकाशित करले सेठी से स्थापन करथिले हैं किंतु परवर्ती समय रे एई हैं एई जे गोपाल एठू चली गेले नाथ द्वार से पळई गेले हैं एई जगह रे से नाथ द्वार पळई गेले एवं से गोटे मास पर्यंत एठी से अरण्यकूट गोटे मास पई करथिले तणे एई स्थान टी होची बहुत सुंदर स्थान तांकर लीला भूमि स्थान आमे माने एठू को आसीचू समस्त मुंडिया मारंतु प्रणाम करंतु एठाकार चरण धरी लगेकरी चल धीरे धीरे कीर्तन करी करी परिक्रमा करके जीवा बोले श्री शंकरसन कुंड की बोले श्री गिरिराज महाराज की हाँ जो मैंने आचमन नहीं चो जो मैंने आचमन ना नहीं चो ये कुंडोर ठीक है आचमन नहीं करी पानी पानी हो चुकी पवित्र पानी जो लोग आचमन नहीं लिए हैं आप लोग यहाँ आचमन लेकर के चलो धीरे धीरे परिक्रमा करते करते चलते हैं पके जो पानी